हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मुंबई स्ट्रीट स्टाइल जीनी डोसा की रेसिपी। ये डोसा बहुत ही टेस्टी और आसान है। इस डोसा में हमें कई सारे फ्लेवर मिलेंगे, जैसे पाव भाजी, पिज्ज़ा और साथ ही हमारा डोसे का। तो हमें एक डोसा में तीन तीन फ्लेवर मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। डोसा आप जब भी बनाएं तो बैटर का खास ध्यान दें। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी हमारा डोसा क्रिस्पी बनेगा। डोसा बनाने के लिए मैं कुछ वेजिटेबल ले रही हूँ। टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च, मैंने इसे लंबा लंबा काट लिया है। और मैं चीज़ ले रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। तवा मैंने लो फ्लेम पर रखा है और थोड़ा गर्म हो चुका है। हम इसे ग्रीस नहीं करेंगे क्योंकि नॉन स्टिक तवा है, हम डायरेक्ट बनाएंगे। अब हम इसमें एक कलछी बैटर डालेंगे और चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। उसके ऊपर हम डालेंगे शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। मैं ले रही हूँ सेजवान सॉस, तो एक चम्मच हम भरकर डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून पाव भाजी मसाला, हाफ टी स्पून चाट मसाला, और हाफ टी स्पून बटर, और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से पकने देंगे। किनारे पे हम थोड़ा तेल डालेंगे और तवे को थोड़ा घुमाते हुए डोसा को क्रिस्पी होने देंगे। मैंने नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि बैटर और सॉस में नमक है। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो थोड़ा आप नमक डाल सकते हैं। इसके ऊपर अब हम चीज़ ग्रेट करेंगे। और पिज्जा का लुक देने के लिए हम थोड़ा सा शिमला मिर्च इस तरह से डालेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और ब्लैक पेपर। आप चाहे तो इसे डोसा की तरह फोल्ड कर सकते हैं या पिज्जा की तरह ही सर्व कर सकते हैं। और मैं डोसा की तरह फोल्ड कर रही हूँ और बीच से कट करके मैं सर्व करने वाली हूँ। अब बचे हुए डोसा को भी हम इस तरह से ही बनाएंगे। अब डोसा हमारा बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे, इसके ऊपर हम ग्रेट करेंगे थोड़ा चीज़ और थोड़ा हम धनिया पत्ता छिड़क देंगे। तो मेरी ये इजी सी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और मैं इसी तरह लाती रहूँगी नई नई रेसिपी।